ओके तो आज मैं आपको पढ़ाता हूँ लेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ाऊँगा, और मैं आपको पढ़ाऊँगा लेंस के पावर के बारे में, ठीक है ना। मिरर का पावर मैं पढ़ा चुका था, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ पावर ऑफ लेंस, ठीक है। देखिए, पावर ऑफ ए लेंस जो होता है वो होता है 1/ फोकल लेंथ, ठीक है ना। अगर फोकल लेंथ किसमें गिवन रहे, मीटर में, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 100/ फोकल लेंथ, यदि फोकल लेंथ किसमें गिवन रहे, सेंटीमीटर में रहे, ठीक है ना। तो पावर जो बेसिकली होता है ना, ये एक ऑप्टिकल डिवाइस का कन्वर्ज या डाइवर्ज करने का क्षमता होता है, ठीक है ना। तो लेंस के रिस्पेक्ट में मैं बता सकता हूँ कि इट इज एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज लाइट रेज। मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी कि एक पतला लेंस जो होता है ना, उसका फोकल लेंथ कहीं ज्यादा होता है, और एक जो मोटा लेंस होता है उसका फोकल लेंथ कम होता है। जैसे मान लो ये एक मोटा लेंस है, ठीक है। तो बच्चों, अगर हम एक पतला लेंस ले लें इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पतला लेंस का क्या होता है, फोकल लेंथ दूर तक जाता है, ठीक है। जबकि अगर कोई एक मोटा लेंस होता है ना, तो मोटा लेंस का फोकल लेंथ होता है ना, वो पास ही में होता है, का फोकल लेंथ जो है वो कम होता है, और पतला वाले का फोकल लेंथ ज्यादा होता है। पावर किसका ज्यादा होगा, पावर जो है इसका कम हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं रेसिप्रोकल होता है, इसका जो पावर होगा वो ज्यादा होगा। अब इसका क्या मतलब है, लाइट रेज को देखिए, आप समझिए लाइट रेज को जाने का मन कहाँ था, सीधा, ठीक है। अब इस लेंस ने इसको क्या कर दिया भाई, मोड़ दिया, मोड़ दिया तो बोले तो डिविएट कर दिया, या कहिए कि कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। फिर इसको देखिए आप, इसको जाने का मन था सीधा, लेंस ने इसको मोड़ दिया, ठीक है। आप बताइए कौन ज्यादा मोरा, किस लेंस ने लाइट रे को ज्यादा मोड़ दिया, बताइए। इसमें डेल्टा ज्यादा होगा, कॉन्वेक्स तो दोनों ही है। मोटा वाला लेंस जो है ना वो ज्यादा लाइट रे को मोड़ देगा, और जो पतला वाला लेंस है ना वो लाइट रे को कम मोड़ पाएगा। तो मतलब मोटा लेंस का जो है ना लाइट रे को कन्वर्ज करने का एबिलिटी कहीं ज्यादा है पतले लेंस के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसका पावर क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। पतला वाला लेंस कम ही मोड़ पाया इसलिए इसका फोकल लेंथ दूर गया, ये बहुत ज्यादा मोड़ दिया इसलिए इसका फोकल लेंथ पास ही रह गया, विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। तो इस चीज को समझिएगा, एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज, कन्वेक्स है तो क्या करेगा, कन्वर्ज, तो ज्यादा पावर मतलब ज्यादा कन्वर्ज कर दिया, कम पावर मतलब कम कन्वर्ज करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका मतलब समझने के लिए, न्यूमेरिकल बनाते वक्त ये फॉर्मूला आपको काम आएगा, ठीक है ना। तो बताइए ये कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, देखिए सेम चीज को मैं आपको कॉनकेव में
रिपीट करके समझा रहा हूँ। मान लीजिए जी बच्चों, आपके पास एक मोटा लेंस है, थिक कनकेव लेंस रिलेटिवली, और एक ले लीजिए आप रिलेटिवली थिन, ठीक है। तो थिन वाला जो है वो लाइट रेज को जो है ज़्यादा डाइवर्ज नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये कम ही डाइवर्ज करेगा। जाना लाइट रे को सीधे था, हल्का सा ये डाइवर्ज हुआ। अब इसको पीछे की तरफ हम अगर प्रोड्यूस करें तो हम ये देख पाएंगे ये इसका फोकल लेंथ हो रहा है, ठीक है। जबकि ये सेम प्रोसेस आप अगर इस मोटे लेंस के साथ करिएगा, ये जो है लाइट रे को कुछ ज्यादा ही मोड़ देगा। तो इसको यदि आप रिवर्स डायरेक्शन में प्रोड्यूस कीजिएगा तो ये जो है आपको फोकल लेंथ कम देगा, इसका फोकल लेंथ क्या है कम है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा कहीं ज्यादा होगा, इसका फोकल लेंथ ज्यादा है। तो पावर की यदि बात करें इसका पावर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, जबकि इसका पावर क्या हो जाएगा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइट रे को ज्यादा डाइवर्ज कर पा रहा है, मतलब लाइट रे को जाना कहाँ था सीधे, तो इसमें एंगल ऑफ डिविएशन ज्यादा रहेगा। और इस वाले केस में जो एंगल ऑफ डिविएशन रहेगा वो कम रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा डिविएट कर पा रहा है मतलब लाइट को डाइवर्ज करने का क्षमता इसमें ज्यादा है, इसलिए इसमें ज्यादा पावर है, ठीक है। इसमें लाइट रेज को डाइवर्ज करने का क्षमता कम है, इसलिए इसका पावर कम है, ठीक है ना। तो कनकेव के केस में हो गया, ओके। आप इसको बच्चों नोट कर लीजिए, ठीक है। मिरर का भी पावर याद करवा देता हूं यहीं पे, ठीक है ना। बात अगर मिरर की करें, ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि अगर पावर मिरर का लेते थे ना हम लोग, तो उसका फॉर्मूला हम पढ़ाए थे आपको, नेगेटिव में होता था 1/f यदि आप मीटर में रखें तो, ठीक है, और यही हो जाता था -100/f यदि आप सेंटीमीटर में रखें तो, ठीक है ना। ये मिरर के बारे में था, याद है आप लोगों को, ठीक है। एक चीज और बतलाना चाहूंगा, ये कनकेव लेंस कन्वर्जिंग होता है ना, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, कनकेव लेंस क्या होता है डाइवर्जिंग, ठीक है ना। तो इसका फोकल लेंथ और इसका पावर क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपको, अगर आप ले लीजिए कन्वेक्स लेंस या फिर क्या ले लीजिए कन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो इन दोनों के केस में इसका फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव, इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा पॉजिटिव, इसका पावर भी क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन इसका पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव, बताइए, क्योंकि इसके फार्मूला में क्या आता है नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। ये कन्वर्जिंग होता है, ये जो होता है ये क्या होता है कन्वर्जिंग होता है, और जबकि ये क्या होता है डाइवर्जिंग, ठीक है। आप दूसरी तरफ ये समझिए, अगर आप कनकेव अगर मिरर ले लीजिए और या कनकेव
लेंस ले लीजिए, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है निगेटिव, इसलिए इसका पावर भी क्या होगा निगेटिव। इसका फोकल लेंथ निगेटिव होगा, इसका पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझ लीजिए कि ये बातें क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, तो मैं ये क्यों बताया आपको दोबारा से, मैं ये बस बताना चाह रहा कि कन्वर्जिंग डिवाइस जो भी होता है, कन्वर्जिंग डिवाइसेस चाहे वो लेंस हो या मिरर, उनका पावर पॉजिटिव है। आप ध्यान से देखिए कन्वर्जिंग डिवाइसेस का, और जो डाइवर्जिंग डिवाइसेस हैं उनका पावर क्या है नेगेटिव, है ना। ठीक है, अब आपको पढ़ा रहे हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, टॉपिक है बच्चों इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, देखिए बच्चों दो गो लेंस आपको लेना है, ठीक है ना। वो दोनों लेंस कुछ भी हो सकता है, कन्वेक्स कन्वेक्स या कन्वेक्स कनकेव, ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों कन्वेक्स ही हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों को हमें कोएक्सियल रखना है, दोनों का एक्सिस सेम है। ठीक है, और ये मान के चलना है कि इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है बच्चों। और दोनों थिन लेंस है, ये भी ध्यान रखना, दोनों लेंस कैसे हैं थिन। ठीक है, अब कोई एक ऑब्जेक्ट है ओ, इससे एक लाइट रे निकला और वो कहाँ गया, दोनों लेंस से होते हुए गया और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रहा है बिना किसी डेविएशन के। ठीक है, एक दूसरा भी लाइट रे है जो आप देख सकते हैं किस पे इंसिडेंट हुआ है, फर्स्ट वाले लेंस पे, बताइए। ये आपका फर्स्ट वाले लेंस को L1 कहिए, सेकंड वाले को L2 कहिए। अब आप समझिएगा बात को, ठीक है ना, कि इसको जाने का इच्छा कहां होगा, पहले इस बात को समझिएगा। अगर दूसरा लेंस नहीं होता तो ये तो अपना सीधा जाता ना जी, नहीं होता दूसरा तो बोलिए, अगर ये नहीं होता तो ये सीधे जाता ना अपना, तो ये जाता, ये मानते हुए हम लोग क्या करते हैं, सोच लेते कि यहां पर एक इमेज बन सकता था। ठीक है ना, बट रियलिटी ये है, असलियत होगा क्या कि ये लाइट रे जो है जैसे इस लेंस पे जाएगा यहां से फिर एक बार डिविएट करेगा, ये लाइट रे एक बार फिर से डेविएट करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है ना, तो अगली बार जब ये कन्वर्ज करेगा बच्चों, तो ये हो सकता है कहीं इधर चला जाए, यहां कहीं चला जाए। ठीक है, तो समझिएगा बात को, यहां पर अगर जाएगा तो यहां पर एक रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मान लीजिए इसका फोकल लेंथ क्या है जी F1 और इसका फोकल लेंथ क्या है जी F2। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, बारी बारी से एक एक लेंस का स्टडी करना है। ठीक है, आप मान लीजिए कि इसका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो यू है,
और ये इमेज का डिस्टेंस है भी डैश, और बच्चों इस इमेज का डिस्टेंस है भी, ठीक है। देखिए तो ये फिगर में सब कुछ क्लियर है आप लोगों को, देखिए बच्चों तो ये फिगर आप लोगों ने बना लिया। अब जरा सा समझते हैं बारी बारी से, स्टेप बाय स्टेप दोनों लेंस का कहानी, ठीक है ना, वन बाय वन बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले L1 के लिए। जैसे मैं जब लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव किया था ना, बिल्कुल इसी तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप बताया था, दो सरफेस था उसमें, तो वैसे यहाँ पे दो लेंस है। तो देखिए हम बात करेंगे पहले फर्स्ट लेंस की, फॉर द फर्स्ट लेंस, ठीक है। अगर आप बात फर्स्ट लेंस की करेंगे तो हम एक सेपरेट डायग्राम भी इसके लिए बना दे सकते हैं। तो फर्स्ट लेंस के लिए एक्चुअली हो क्या रहा है बच्चों, कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ओ, ठीक है, और उसका एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है आई डैश पे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जी बच्चों यू, इमेज का डिस्टेंस है वी डैश, वी डैश, फोकल लेंथ है जी F1, ठीक है ना। तो आप ये लिखेंगे कि फॉर द फर्स्ट लेंस आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रियल ऑब्जेक्ट है, और वो है कौन, वो है ओ, और इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट, ऐसे आपको बोर्ड में लिखना पड़ेगा बच्चों, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो मेरा तो एक स्टेप में काम हो जाता, फॉर्मूला लिख देते खाली, ठीक है ना। इसका जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है बच्चों, ठीक है ना, और वो कौन है, कहाँ है, वो आई डैश पे है, देख लीजिए। और इस वर्चुअल इमेज का इमेज डिस्टेंस जो है बच्चों, वो है जी वी डैश, ठीक है, और फोकल लेंथ तो आप समझ ही रहे हैं बच्चों, है ना, फोकल लेंथ इस वाले लेंस का जी F1 है, ठीक। अब आप इस पे लेंस इक्वेशन अप्लाई कीजिएगा तो आप लिख पाएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। तो यहां पर आप समझे कि v को लिखना क्या है, v को लिखना है v डैश, और f को क्या लिखना है, f को लिखना है F1, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, आधा पार्ट फर्स्ट लेंस के लिए, ठीक है ना। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलो अब लोग हम लोग ना आगे बढ़ते हैं, दूसरे लेंस का बात बताते हैं आपको, ठीक है ना। देखिए बच्चों बात अब सेकंड लेंस की करेंगे हम लोग, फॉर द सेकंड लेंस आप लोग देखिए कि सेकेंड लेंस के लिए जो इंसिडेंट रे है ना वो ऐसे कहीं से आ रहा था जो कि वर्चुअली आई डैश से आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ है कि इतने लाइट रे को इधर मोड़ा और इसने एक रियल इमेज बनाया आई, ठीक है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया वी डैश, और इसके लिए ये बन गया इसका रियल इमेज जिसका कि डिस्टेंस हम लोग क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे, ठीक है। फोकल लेंथ आप समझ ही रहे हैं इसका F2 है। तो सेकंड लेंस के लिए वैसे लिखते हैं जैसे अभी लिखे थे, ठीक है ना। इसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, अब वो कौन है, वो है जी बच्चों आई डैश, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो है जी वी डैश, जो इसका इमेज है वो इमेज है रियल और वो है आई, जो इसका इमेज का डिस्ट
टेंस है वो है वी, और जो इसका फोकल लेंथ है वो है एफ टू। अब इसमें आप लेंस इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए तो आप लिखेंगे 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। तो यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करिए, इमेज का डिस्टेंस तो भी है लेकिन ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो है वी डैश और फोकल लेंथ है एफ टू। ठीक है, समझ आया? नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। देखिए अब वक्त आ गया है जब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे। अब दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो हम इमेजिन करते हैं कि दो लेंस के बदले एक अकेला लेंस है, ठीक है ना। तो एज्यूम एन इक्विवेलेंट लेंस, कल्पना करिए कि दोनों के बदले एक अकेला लेंस होगा जो क्या करेगा, दोनों के बदले अकेले काम कर देगा। मतलब इसी ऑब्जेक्ट का इमेज वो यहां पे आई पे बना देगा। ठीक है, और इसका फोकल लेंथ आप कंसीडर कर लीजिए एफ। ठीक है, तो इसके लिए जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बाई वी, ये डिस्टेंस होगा वी और ये डिस्टेंस है यू। तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, इसको आप कहिए इक्वेशन नंबर ए। ठीक है ना, ये बीच वाला पॉइंट नोट करिए आप लोग। अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप उठाते हैं, हम इक्वेशन वन को और टू को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन वन और टू को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, उसको जरा सा देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन वन एंड टू को ऐड करिए, इक्वेशन वन वो रहा 1 बाई वी डैश माइनस 1 बाई यू, और ये है इक्वेशन टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी डैश इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू। ठीक है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या, वो ये बचेगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू। इसको आप कहिए इक्वेशन नंबर बी, और अब आप गौर से देखिए कि इक्वेशन ए और इक्वेशन बी क्या कंपेयर करने लायक है। बिल्कुल है, इसका एलएचएस बराबर है तो इसका आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहां से लिख पाएंगे कि फ्रॉम कंपेयरिंग, बाई कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, क्या हमने पाया कि 1 बाई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू। तो यही है जी बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला। ठीक है ना, जैसे आप लोग को याद होगा रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करते हैं तो ऐसे ही आता है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला भी दिख रहा होगा। आप सोच सकते हैं 1 बाई एफ को हम क्या कहते हैं बच्चों, पी कहते हैं ना। तो यहां से आपका पावर का फॉर्मूला आ गया पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रूफ करने से पहले हम जो है दोनों लेंस क्या लिए हैं, कन्वेक्स लिए हैं, है ना। क्या ये जरूरी है कि दोनों लेंस कन्वेक्स ही रहे,
ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि दो कन्वेक्स के लिए ट्रू हो, ठीक है ना। ये आप किसी भी पेयर के लिए यूज कर सकते हैं, आपका मर्जी है, आप यूज कर सकते हैं इसमें कन्वेक्स प्लस कन्वेक्स, मन करे तो यूज कर लीजिए, कन्वेक्स प्लस कॉनकेव, और अगर आपकी मर्जी है कनकेव प्लस कनकेव, मैंने जो रखना है रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये सबके लिए ट्रू है, ट्रू फॉर ऑल लेंसेस, चाहे कन्वेक्स ले लो कनकेव ले लो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक और बात बताना चाहेंगे, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन अगर आप लीजिएगा ना तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, M1 into M2 हो जाता है, ठीक है। जैसे कि पहला वाला लेंस के लिए देखिए, हाइट ऑफ इमेज ले लीजिए H1 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर लीजिए H1, ठीक। जो दूसरा वाला लेंस होता है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम पहले वाले का इमेज करता है, तो ये समझिए ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट वाले का इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट होता है, H1 कट जाएगा, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन जो होता है ना वो प्रोडक्ट में आ जाता है दो लेंस का, ठीक है, इस जानकारी को भी आप नोट कर लीजिए बच्चों। और बात बतलाना चाहूंगा, अभी जो हमने दो लेंस लिया था उसके बीच में कोई गैप नहीं रखा था ना हमने, एक ऐसा बात है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूं। इसमें क्या है कि जैसे दो लेंस है तो सही, बट आपको क्या दिख रहा है कि दोनों के बीच में गैप है क्या, बोलिए, देख रहे हैं दोनों के बीच में गैप है, तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं। ये आपके सिलेबस में है नहीं, ना बोर्ड में और ना ही नीट में और ना ही जेई में, तो अगर दो लेंस के बीच में कुछ दूरी रहेगा ना तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी बता दे रहा हूं। उसमें फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का, 1/f = 1/f1 + 1/f2 - d/f1 × f2, ठीक है। यदि लेंस के बीच में क्या रहे, कुछ गैप रहे, ठीक है ना, ये होगा इफ लेंसेस आर सेपरेटेड, इसको भी आप लोग नोट कर ही लीजिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन कभी मिलेगा तो क्वेश्चन बनाने में काम आ सकता है हमारे, ठीक है ना, इसलिए बता दिया मैंने। तो ये टॉपिक हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं सिल्वरिंग ऑफ ए लेंस, इसमें क्या है एक लेंस का, ठीक है, और उसको हमने क्या किया, इधर से सिल्वरिंग कर दिया, तो अब ये क्या है, ये लेंस है कि मिरर है, बताइए। तो जब आप लेंस को सिल्वर कर देते हैं ना, अब ये एक लेंस नहीं रहा, अब एक्चुअली एक मिरर बन जाएगा, ठीक है ना। नाउ इट बिहेव्स एज ए कनकेव मिरर, नाउ इट विल
वी हैव एज ए कनकेव मिरर, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू ए कनकेव मिरर, ठीक है ना। लाइट दूसरी तरफ जा पाएगा क्या? नहीं, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा ना, इसलिए ये मिरर है, ठीक है ना। इट विल अल्टीमेटली बिहेव एज ए मिरर, ठीक है। तो इसमें सवाल आता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो इसको बनाने का बच्चों दो तरीका होता है, एक होता है लॉन्ग मेथड और एक होता है शॉर्ट मेथड, ठीक है ना। तो इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको लिखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और उसके थ्रू मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऐसे चीज़ों को डील करते हैं हम लोग। हम लोग एक रैंडमली क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मान लीजिए कि ए डबल कन्वेक्स लेंस है, क्या हमारे पास एक डबल कन्वेक्स लेंस है, मान लीजिए कि फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर, इट इज सिल्वर्ड ऑन रेयर फेस, ठीक है, और कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट सच दैट फाइनल इमेज इज formed at object itself, then find ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, उसका पिछला वाला फेस को सिल्वरिंग कर दिए हैं। अब एक ऑब्जेक्ट इसके सामने रखे हैं इस तरह से कि इसका फाइनल इमेज जो है ना वो वापस कहाँ बन जाता है, ऑब्जेक्ट पे बन जाता है। तो बताइए कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए और इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन को आगे बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करेंगे। इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करने से पता चलेगा कि ये जो इसके पीछे मिरर छुप गया है उसका रेडियस पता चल जाएगा और उसका फोकल लेंथ भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इस लेंस का बात करते हैं, ठीक है। तो लेंस का हम लोग पढ़े हैं ना फोकल लेंथ, तो 1/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस हमने पढ़ा है μ-1 इंटू 2/r, ये आपको याद होना चाहिए, ये मैंने आपको पढ़ाया है। इमेजिन कर लीजिए इसका म्यू जो है ना वो कितना है, 1.5 है, ठीक है। तो बच्चों 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1.5 - 1, यह आ जाएगा 0.5 × 2/r, ऊपर 1 आ गया, इसका मतलब आ गया फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, यानी कि कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका दोनों रेडियस सेम ही होगा, नहीं दिया तो सेम मानना पड़ेगा, ठीक है ना। इक्वी कन्वेक्स मान लीजिए इसको, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर का आ गया इसका फोकल लेंथ, एक्चुअली वो दिया होता है रेडियस आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये पीछे जो कनकेव मिरर छुपा हुआ है उसका फोकल लेंथ हम जान गए, फोकल लेंथ ऑफ मिरर तो कितना हो जाएगा आर बाई टू, दैट इज कितना है बच्चों, दैट इज ये हो जाएगा 20/2 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसको बनाने का शॉर्टकट मेथड मैं बता देता हूँ, पहले शॉर्टकट बताता हूँ फिर लॉन्ग कट बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए होता क्या है कि लाइट इसमें आया, रिफ्लेक्ट किया और फिर लौट गया, तो मुझे बताओ कि रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ और रिफ्लेक्शन कितनी बार हुआ, बताओ। लाइट आया, एक बार रिफ्लेक्ट किया और लौट जाएगा, तो रिफ्रैक्शन कितनी बार होगा, दो बार, और रिफ्लेक्शन एक बार। ठीक है, तो ये जो इक्विवेलेंट मिरर आया उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना। पावर ऑफ इक्विवेलेंट मिरर इज इक्वल टू हो जाएगा, पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ तो पावर ऑफ लेंथ, दूसरी बार रिफ्लेक्शन होगा तो पावर ऑफ मिरर। ये वाला मिरर और ये मिरर अलग है, ये इक्विवेलेंट मिरर है और ये सिर्फ मिरर है, और जब तीसरी बार लाइट जाएगा तो फिर से लेंस का यूज होगा, यानी कि ये आपके पास एक शॉर्टकट फार्मूला आ गया, पावर ऑफ द इक्विवेलेंट मिरर इज इक्वल टू 2 times ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ द मिरर। ठीक है, इसके हेल्प से ये सवाल एकदम तुरंत बन जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको एकदम लंबा चौड़ा मेथड भी बताऊंगा, जानकारी के लिए जान लीजिएगा। ठीक है, तब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सब कुछ हमारे पास है, तो हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ इक्विवेलेंट मिरर का। ठीक है ना, देखिए पावर ऑफ इक्विवेलेंट मिरर इज इक्वल टू 2 into पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस को आप लिखेंगे कितना, 100/ फोकल लेंथ यानी कि 20। पावर ऑफ मिरर को क्या लिखेगा, -100/ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कनकेव मिरर का क्या हो जाता है, -10 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, देखिए 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 10, यहां से भी कटेगा 10 बार में ना, तो ये कितना आ गया बच्चों, 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब आप देखिए ये जो इक्विवेलेंट मिरर उसका बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट मिरर, एक सेकंड, ये सेंटीमीटर नहीं होगा, ये डायोप्टर होगा, पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, डायोप्टर का मतलब मीटर का पावर -1। ठीक है, तो पावर ऑफ इक्विवेलेंट मिरर जो होना है उसको क्या होना होगा, -100/ फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर आ चुका है आपका -5 सेंटीमीटर। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक कनकेव मिरर है, ये क्या है बच्चों, एक कनकेव मिरर है। ठीक है, अब सोचिए कनकेव मिरर है, ठीक है ना, और उसका फोकल लेंथ है 5, तो उसका रेडियस कितना होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा, रेडियस कितना होगा, 10 होगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट को 10 पे रखना होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी कहाँ पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाता है, तो हमारे सवाल का जवाब होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम लोग इसी सवाल को फिर से अभी दोबारा करने जा रहे हैं। ठीक है, एक लॉन्ग मेथड से करेंगे, लंबा मेथड से, ठीक है ना, तो समझिएगा गौर से। देखिए मान लीजिए आपके पास एक लेंस है, ठीक है,
और आपने इसके पिछले फेस को सिल्वरिंग कर दिया है, ठीक है। और हमने ये देखा है, सवाल में दिया हुआ था कि जो ऑब्जेक्ट है उसको कहीं पे रखा हुआ है, हमें नहीं पता कहाँ रखा है, ठीक। अब हम रे डायग्राम बनाते हैं। खाली ये दिया है कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह बना है, तो समझिएगा बात को। मान लीजिए ये कोई रे आया, ये कोई रे आया है लेंस पे, ठीक है ना। तो क्या ये सीधे इधर जाएगा या कहीं डिविएट करेगा, बताइए। डिविएट करेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, इस तरह से सीधे नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। ये जो सीधे गया है यहाँ पे, ये सीधा नहीं जा पाएगा। इसको हल्का सा हम करने वाले हैं डिविएट, ठीक है। हल्का सा ऐसे कर दिया हम इसको डिविएट, ठीक है। थोड़ा सा हम डायग्राम और दूसरा बना के दिखाते हैं। लाइट रेस का एक्चुअली बेंडिंग दिखाना चाह रहे हैं हम, ठीक है ना। फिगर को हम और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हम लाइट रे का बेंडिंग दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा फिर से बनाते हैं फिगर को। अब मैं दिखा पाऊंगा जरा अच्छे से, ठीक है, आप लोग भी देख पाइएगा जरा अच्छे से। देखिए, तो लाइट रे को भाई जाना था कहाँ, इधर सामने कहीं, है ना, जाना था, जाएगा नहीं। अब आपको भी ये दिख रहा है कि देखिए हम इसको क्या करके डिविएट कर दिए हैं, क्या ना, डिविएट दिख रहा है आप लोग को, बोलिए दिख रहा है, ठीक है। अब आप समझिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इमेज भी यहीं पे बन गया। इसका ये मतलब है लाइट जिस रास्ते पे गया उसी रास्ते पे लौट आया होगा बच्चों, ये तभी संभव है ना। बोलिए, लाइट जिस रास्ते पे गया है उसी रास्ते पे लौटेगा, तभी तो यहां पे इमेज बनेगा ना। बोलिए, तो ये तभी संभव था जब ये लाइट रे इस पे ना नॉर्मली गिरा होगा, ठीक है। ये लाइट रे इस पे कैसे गिरा होगा, नॉर्मली, तो इसी रास्ते पे वो क्या करेगा, लौट के चला आएगा। अब ये कनकेव मिरर है, इस पे लाइट नॉर्मली आया है, इसका मतलब जानते हैं आप, ये कहीं ना कहीं अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा होगा वर्चुअली, ठीक है। इसको मिरर को लगेगा कि ये जो लाइट रे है येलो वाला, ये पीछे कहीं ना कहीं कहां से आ रहा होगा, इसके अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। और ये हमने देख लिया था कि इस मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो कितना था, क्या वो 20 सेंटीमीटर था, हमने चेक किया था। बोलिएगा, बोलिए बच्चों, नहीं क्यों, इक्विवेलेंट का नहीं, ये कौन सा मिरर, ध्यान दो, ये इक्विवेलेंट मिरर नहीं है, है क्या, हाँ ये कनकेव मिरर है जो लेंस में चिपका हुआ है, इक्विवेलेंट मिरर नहीं है। इक्विवेलेंट मिरर से हम इसके पहले बनाए थे, ये हम बेसिक मेथड से बनाए हैं, ठीक है ना, जिसमें हम
तुम्हें दिखा रहे हैं कि यहां पर पहली बार क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, दूसरी बार क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, और तीसरी बार फिर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। बात को समझना, पहली बार जब बाबू लाइट आया इसके ऊपर तो क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, दूसरी बार जब मिरर पे टकराया तब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, और तीसरी बार लाइट जब दोबारा आया तो फिर से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। ये इतना स्टेप लेके बता रहा हूँ, ये मैं बेसिक प्रोसेस से बता रहा हूँ, ठीक है। बोलिए, ये चीजें क्लियर है आपको? लाइट पहली बार आई इस स्फेरिकल सरफेस पे, रिफ्रैक्शन करी, रिफ्रैक्शन करके मिरर पे गिरी, मिरर पे गिरने के बाद इसका रिफ्लेक्शन हुआ, और क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा इंफॉर्मेशन था कि ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज यहीं पे बन रहा है, तो इसका ये मतलब है कि लाइट अपने उसी रास्ते पे लौट गई। और मिरर पे जब ये चीज होता है कि रास्ते पे अपने लौट जाती है, तो हम ऐसा समझते हैं कि मिरर पे लाइट ने नॉर्मली आई है। अब मिरर पे लाइट ने नॉर्मली तब आती है जब वो सी से आ रही होती है, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे इस पे सी से आती हुई दिख रही होगी मिरर को, ठीक है ना। तो इससे मैंने देख लिया कि मिरर के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज का काम यही कर रहा होगा, सी वाला पॉइंट, ठीक है ना। बोलिए, यहां तक सब क्लियर? ठीक है, अब आपको मैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन का कहानी बता रहा हूं। जस्ट थिंक अबाउट फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो यहां पर हम रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, जो कि था म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। याद है ये वाला? बोलिए, तो आप ये देखिए, म्यू वन का काम कौन करेगा, जहां पर इंसिडेंट रहता है, तो इंसिडेंट रे जहां पर है वो हवा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, जो म्यू टू है वो लेंस का मीडियम है, यानी कि कितना, 1.5 हो जाएगा। और भी हम जानते हैं पहला सरफेस के कारण जो इमेज बना है, रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाए तो सी पर जो है क्या बनेगा, एक इमेज बनेगा आई डैश, ठीक है ना। और जो कि मिरर के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम, और उसका इमेज भी यहीं पे बन जाता होगा, ठीक है। खैर, तो पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये होगा ओ, और इमेज कौन होगा, आई डैश, पहले वाले सरफेस के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए भी का काम कौन कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, उसके लिए भी का काम करेगा आपका -20, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिए 1.5 माइनस वन, और आर हम लोग कैलकुलेट किए थे इस वाले सरफेस के लिए, इसका कर्वेचर ऐसे कहीं राइट साइड जाके कंप्लीट होगा, तो राइट साइड में कंप्लीट होगा, तो इसके आर को आप लिखेंगे क्या, +20 लिखेंगे, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करके आप मुझे क्या कीजिए, यू का वैल्यू बताइए, और यू का वैल्यू आपका 10 आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए 10 आता है कि नहीं। सवाल को बनाने का एक बेसिक प्रोसेस, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके आप जरूर निकाल पाए होंगे कि यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस का इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। एक चीज़ और समझाते हैं, देखो ये तो बेसिक प्रोसेस से बनाए हैं, अभी इसके जस्ट पहले हम शॉर्टकट प्रोसेस से बनाए थे, तो इसी सवाल को यदि आप शॉर्टकट वाले प्रोसेस से बनाए थे इससे पहले, उसमें क्या किए थे देखो बताते हैं। इससे पहले जो हम बनाए थे ना, उसमें हम डायरेक्ट क्या किए थे, इस लेंस का इक्विवेलेंट निकाल लिए थे, ठीक है। तो इस लेंस का जो हम इक्विवेलेंट मिरर एक्चुअली निकाले थे, उसमें हम किए क्या थे, देखो समझना बात को, ये जो हम मिरर लिखे थे ना, इसको हम इक्विवेलेंट मिरर बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट मिरर का हम लोग पता कर लिए थे कि फोकल लेंथ जो होगा ना, वो हम पता किए थे कि होगा
शायद पांच पता रहते, पांच पता किए थे ना, फोकल लेंथ उसका कितना रहता, माइनस फाइव आया था। हाँ माइनस मतलब कनकेव के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है साइन माइनस का, ठीक है ना। तो माइनस लिख देते हैं, फाइव भी लिखें तो समझ जाना साइन कन्वेंशन से उतना ही होगा। इसका रेडियस का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा कि समझो इक्विवेलेंट मिरर है, ठीक। तो इक्विवेलेंट मिरर के लिए जिसका कि सी एम, सी एम भी किसका, देखो मैं बार बार लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसका दूरी अगर कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखो तो इमेज कहाँ पे बनेगा, यहीं पे ना बनेगा, बताइए। तो ये इससे पहले अभी हम किए थे, ये हमारा शॉर्टकट प्रोसेस था बनाने का, और इसी को दोबारा कहेंगे लॉन्ग कट प्रोसेस है, ठीक है। बोलो आया समझ में दोनों, इसको भी आप नोट कर लो, ठीक है ना। मैं एक और सवाल दे रहा हूं ताकि कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाए इस वाले क्वेश्चन के लिए। देखो सामने सवाल है ना, इस सवाल में मैं हल्का सा चेंज करूंगा, पढ़ो। ए डबल कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है, वही 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको वही रख रहे हैं, 20 का 20 ही रख रहे हैं। और इसके दूसरे वाले फेस को क्या कर दिए, सिल्वरिंग कर दिए। एक ऑब्जेक्ट को हम रखे हैं कहां, लेंस के आगे, ठीक है। इस बार हम बता दे रहे हैं कि क्या करते हैं ना, कि कुछ ऑब्जेक्ट स्टैंड दे रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ, कुछ दूरी मान लेते हैं 15, 20, 25, ऐसे करके कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 15 ले लेते हैं, कोई दिक्कत, इन फ्रंट ऑफ लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं हम निकालिए, फाइंड दी पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, आप ट्राई करिए। देखो पहले इसको शॉर्टकट वाले मेथड से बनाएंगे, अगर तो शॉर्टकट वाले मेथड में हमको करना क्या रहता है, हमको इस इक्विवेलेंट मिरर को ऐसा बना के उसका डायरेक्ट फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेना। तो तुमको पहले से पता है कि क्या करना था, लेंस का हमको फोकल लेंथ पता है, रेडियस निकाल लिए, रेडियस कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, तो ये जो मिरर है इसका रेडियस हमको पता है, ठीक है, इसका हमको पावर पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं इक्विवेलेंट मिरर में पुट करके सब निकाल लेते थे, इक्विवेलेंट मिरर का पावर यहाँ से निकाले हम 20 डायोप्टर, और पता चल गया कि इक्विवेलेंट मिरर का फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऑलरेडी हमारा किया हुआ था, इसमें दिमाग लगाने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। हम सीधे सीधे फोकल लेंथ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, ये सब प्रोसेस ऑलरेडी किया हुआ है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो देखो हम इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे कि हमारे पास ये इक्विवेलेंट मिरर है, ठीक है, जिसका कि फोकल लेंथ हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना, जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन से वही कितना हो जाता है -5, साइन कन्वेंशन से आता है -5, ठीक है ना। तो ये हमको ऑलरेडी पता है कि इसका फोकल लेंथ जो है वो कितना है 5 है। इसका सेंटर कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ इक्विवेलेंट मिरर ये 10 पे होगा, है ना, साइन कन्वेंशन से -10, और ऑब्जेक्ट हमारा कहीं इधर है, यहाँ पर हमारा कहीं ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया -15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपका हो गया -5 सेंटीमीटर। अब आप लगा दो मिरर इक्वेशन, तो 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है ना। तो बच्चों 1/v + 1/u की जगह डाल दो
माइनस 15 और यहाँ पे डाल दो माइनस 5। अब सिंप्लीफाई करो जी, ठीक है, तो 1/v = माइनस 15 उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस 15, तो 1/15 माइनस 1/5, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 15, यहाँ से आ जाएगा ये 1 और यहाँ से आ जाएगा 3, दैट इज माइनस 2/15, यानी कि वी का वैल्यू आ गया जी आपका माइनस 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देख लो इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को दोबारा अगर हम करें लॉन्ग कट वाले मेथड से, ठीक है ना, जो कि आज के लिए अभी के लिए कर लो, दोबारा इसको करने का जरूरत नहीं है, जब भी बनाना शॉर्टकट मेथड से ही बनाना, बट अभी बेसिक प्रोसेस से सीख रहे हो ना, तो अभी के लिए हम सिखा दे रहे हैं खाली कि अगर हम लॉन्ग कट से जाते तो ये कितना लंबा बनता। देखिए सेम सवाल को लॉन्ग कट मेथड से करा के दिखाता हूँ, यही वाला सीन रहेगा, ठीक है ना। वही लेंस है, ठीक है, और आपका एक काम करता हूँ, एक फ्रेश पेज में बनाता हूँ आपको, एक फ्रेश बना के दिखाता हूँ आपको मैं। देखो ये आपका लेंस है, इधर से कर दिए सिल्वरिंग, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक लाइट रे इस पे इंसिडेंट कराते हैं हम लोग, देखिएगा लाइट रे इस पे गया। अब आपको तो पता है इसको जाना जहाँ था वहां जाएगा तो है नहीं, इसको जाना कहाँ था, इधर कहीं ना, इधर जाएगा क्या, नहीं, ये यहां से क्या करेगा डिविएट करेगा, करेगा बोलिए, यहां से डिविएट करेगा। अब देखिए यहां पर क्या क्या होगा, ठीक है ना, डिविएट भी करेगा तो जैसे हम दिखाए हैं वैसे ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं थोड़ा इसको कन्वर्ज करता हुआ दिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक काम करके बताता हूं, यहाँ पर जब लाइट आएगा पहली बार तो ये क्या करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा ना, तो मैं आपको पहले ना निकाल के ही दिखा देता हूँ कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन में आखिर होता क्या होगा। फर्स्ट रिफ्रैक्शन में आपका इंसिडेंट रे इस मीडियम से चला म्यू वन से, और वो कहाँ जाके घुस गया होगा, म्यू टू में जाके घुस गया होगा, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेंशन था ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना मेंशन था जी, माइनस 15, ठीक है, तो देखो ये लगाओ म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ठीक है, तो इसको मैं वी डैश कर देता हूँ, ये किसी बीच के आई डैश इमेज का दूरी होगा, ठीक है, तो म्यू टू कितना ले लो 1.5, वी डैश नहीं पता, म्यू वन 1, यू माइनस 15, म्यू टू कितना ले लोगे यहाँ से 1.5 माइनस 1, रेडियस कितना ले लेना प्लस 20, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके हम लोग वी डैश निकाल सकते हैं क्या, तो 1.5 बाई वी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 बाई 20 माइनस 1/50, देख लो तो ये सही है ना, ये माइनस माइनस प्लस होगा, राइट साइड जाएगा तो दोबारा से माइनस हो जाएगा, 1.5 में से 1 चला गया तो 0.5 बचा, ठीक है,
इसको आप लिख सकते हो 1.5 by V dash is equal to 1 by 40। ये 0.5 को नीचे भेजोगे 10 तो 1 by 2 कटेगा, 1 by 40 आ जाएगा, ये माइनस 15। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा जल्दी बताओ, 120 आएगा। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आई थिंक 8, हो जाएगा ना। ये कितना आ गया बाबू, माइनस 5 बाई 120। ठीक है, और यहाँ से फिर भी डैश कैलकुलेट कर लो तो जल्दी से 1.5 इंटू 120 या बाई 5.3, 36 आएगा क्या, देखो तो ध्यान से। देख के बताना जरा क्या ये माइनस 36 आएगा। लेफ्ट ही साइड में बना होगा इसका इमेज, इसलिए माइनस आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो इसको इधर न ले जाके हल्का ऐसे डिविएट करवाएंगे। ठीक है, ऐसे डिविएट कराएंगे और इसको पीछे जब हम प्रोड्यूस करेंगे इसी चीज को, तो ये दिखाएंगे कि फर्स्ट सरफेस के रिफ्रैक्शन से यहाँ पर एक इमेज बना था आई डैश, इसी आई डैश का दूरी हम लोग भी डैश निकाले हैं। ठीक है ना, यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ ये दूरी क्या है, ये वाली दूरी भी डैश है। ठीक है ना, ये वाली दूरी भी डैश है जो हमने निकाल ली है। ठीक, अब सोचो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, आई डैश करेगा क्या, बोलिए। अब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, हाँ बहुत लंबा जाएगा बट खैर इंटरेस्टिंग है, कंसेप्चुअल है, समझते जाना। सेकंड पार्ट है रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में ऑब्जेक्ट का काम ये करेगा मिरर के लिए, क्योंकि मिरर भी इंसिडेंट रे है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का जो दूरी है ना वो बन जाएगा भी डैश। ठीक है ना, जो कि कितना है माइनस 36। इसका फोकल लेंथ हम जान रहे थे ना, फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना था, क्या वो माइनस 10 सेंटीमीटर था। ठीक है ना, अब यहाँ पे लगाओ मिरर इक्वेशन, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 बाई वी प्लस 1 अपॉन माइनस 36 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 10। ठीक है, सिंप्लीफाई यदि करेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाई 36 माइनस 1 बाई 10। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 180। इन दोनों का एलसीएम जल्दी से बताना, 180 होगा ना, हाँ 180 होगा। अब आप देखो ये इसे कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, और ये 18 टाइम्स। ठीक है ना, ये आ जाए कितना, माइनस 13 बाई 180। देखना तो कैलकुलेशन करेक्ट किया है ना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। ये मिरर क्या करेगा, लाइट रे को इस तरीके से मोड़ेगा। ठीक है, कि यहां से ऐसे समझना, यहां से लाइट का रिफ्लेक्शन को समझना। ठीक है, मान लो कि ये क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है ना, और ये 13 से हल्का सा कम आया है, 13 से कर रहे हैं 14 से हल्का सा कम आया है, बात को समझना। ठीक है ना, यानी कि हो क्या रहा होगा कि यहां से जो लाइट रे आया है ना, ये एक इमेज बनाना चाहेगा, लगभग 14 सेंटीमीटर पे ऐसे। ठीक है ना, ये मिरर का काम हो रहा है यहां पे, देखना
ये यहां से मिरर से ऐसे लाइट आएगा, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप हुआ है अभी खाली, ठीक है ना। ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप हुआ है, और अब तीसरा स्टेप के लिए तैयार हो जाओ। देखो तो तीसरी बार फिर से क्या हुआ, इस सरफेस पे लाइट आ रहा है, ठीक है ना, और इसको फिर से क्या करना होगा, कन्वर्ज करना होगा। और हम ये जान रहे हैं ना इसका फाइनल आंसर कितना है, 7.5 है। बोलिए तो यहाँ पे फाइनल इमेज बनने वाला है जिसका कि आंसर 7.5 आएगा, ठीक है। अब देखना अंतिम स्टेप बता रहा हूँ, रे डायग्राम में सिखा दिया हूँ। थर्ड वाला स्टेप जो है रिफ्रैक्शन है। थर्ड वाला स्टेप क्या है बच्चों, रिफ्रैक्शन। अब ध्यान से सोच समझ के बताना, इस वाले सरफेस पे इंसिडेंट रे ये है क्या, बताओ, यहां से है, बोलो बच्चों, हेलो। हाँ तो ये देखो, समझो ध्यान से, जब वापस से स्फेरिकल सरफेस पे लाइट आया तो उसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, I" करेगा। कौन करेगा, I". ध्यान से समझना, पहला रिफ्रैक्शन में ऑब्जेक्ट कौन था, O, और इमेज कौन था, I'। दूसरे वाले रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कौन बन जाएगा, I', और इमेज क्या बन जाएगा, I". और अब तीसरे रिफ्रैक्शन के लिए बता रहा हूँ, है ना, लास्ट वाले का इमेज अगला वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है, यही कहानी होता है। बोलो, हाँ बोलना जरा इस बात पे, लास्ट वाले का इमेज अगले वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है क्या। हाँ तो रिफ्लेक्शन का जो इमेज है I" वो थर्ड वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन गया I", ठीक है ना। तो उसका हमको ऑब्जेक्ट का दूरी पता है। और अब एक चीज और नोटिस करना, इंसिडेंट रे इधर जा रहा है क्या, तब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव लेना, ठीक है ना। ये इंसिडेंट रे बन जाएगा अब इधर इस सरफेस के लिए, ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूं, इसके लिए ऑब्जेक्ट का दूरी इस तरफ जा रहा है ना, I" का दूरी लिखना पड़ेगा, वो हो जाएगा कितना, 180/13, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का मीडियम, इंसिडेंट रे का मीडियम इस बार क्या है, 1.5, ठीक है। और रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम कौन होगा, ये वाला बाहर का मीडियम, ठीक है ना। तो देखो अब मैं लिख रहा हूँ, जो हम ये लिखते थे ना, μ2/v - μ1/u = μ2 - μ1/r, ठीक है। तो देखो इसमें मैं कुछ चेंजेस करके समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है ना। μ2 का मतलब क्या होता था, μ2 का मतलब होता था रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम। तो रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम इस बार के लिए बाहर है, वो हो जाएगा 1। ये तुम्हें चाहिए, ये नहीं पता है, ठीक है। फिर देखो इंसिडेंट रे का ये मीडियम होता था, तो इंसिडेंट रे का ये मीडियम हो जाएगा अभी के लिए 1.5, ठीक है। और इस तरफ इसमें से इसको घटाते थे, तो घटा के आप क्या लिखने वाले हो, आप लिखोगे 1 - 1.5, ठीक है। और इस सरफेस के लिए रेडियस इस साइड कंप्लीट होगा, ठीक है ना। इस साइड कंप्लीट होने का मतलब इंसिडेंट रे इधर जा रहा है और रेडियस इधर बन रहा है, इस बार इसको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये लेना पड़ेगा आपको कितना, -20, ठीक। और यू का वैल्यू आपको हम दे दिए हैं, यू का वैल्यू आप ले लो कितना, प्लस ये देखो इधर से आ रहा है इंसिडेंट रे, बात को समझना, आ रहा है क्या, देखो इस सरफेस पे इधर से जा रहा है ना। तो इस बार इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, देखो ये I' कहां पर रहा है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, देख लो, बोलो जल्दी, तो इसलिए वो पॉजिटिव ले रहा है, ठीक है ना। हाँ इसीलिए पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में होने की वजह से यू पॉजिटिव हो गया,
इंसिडेंट रे के उल्टा डायरेक्शन में रेडियस कंप्लीट होगा पीछे, इसलिए माइनस ले लिए। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ वी का आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये तुम वेरीफाई कर लो, ये आंसर आ जाएगा। कौन सा मेथड प्रेफर करोगे अब बनाने के लिए, लॉन्ग कट या शॉर्ट कट बोलो। हाँ तो इसीलिए बता रहे थे, ये भी सिखाना था मुझे इसलिए हम सिखा दिए। ये बेसिक प्रोसेस है, इतना लंबा कभी करने का जरूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है ना। हम लोग को इसी शॉर्टकट से बनाना है। कहाँ गया शॉर्टकट वा, ये वाला शॉर्टकट से इक्विवेलेंट मिरर का फोकल लेंथ निकाल लेना है और उसके बाद मिरर इक्वेशन लगा देना है, ठीक है। तो ये था बच्चों सिल्वरिंग ऑफ मिरर, आपको हम पूरा डिटेल में बता दिए, ठीक है ना। अब इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है ना। और पढ़ोगे, पढ़ा दें।